अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सभी? माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि तकरीबन सब लोग जा चुके हैं, डायरेक्ट फ्लाइटें भी खुल गई हैं। लेकिन दूसरी चीज़ें क्या है कि डायरेक्ट फ्लाइटों में अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि जो इंडिया में वैक्सीन लगाए हैं उनको कैसे बुलाएंगे। अभी तक उसकी बुकिंग नहीं हो रही, सिर्फ सऊदीया में जिनकी 2 वैक्सीन लगी उन्हीं को बुलाया जा रहा है, और वो तो अलग बात है। लेकिन ये वीडियो जो ख़ास तौर से हम लोग बना रहे हैं कि अब इंशाल्लाह देखो क्वारंटाइन का काम तो थोड़ा ही रह गया है, कुछ बचे लोग हैं, तो अभी अपना वीज़ा वाला काम जो है पुराना चालू हो गया है। तो जो भी साथे हमारे जिनको वीज़ा की रिक्वायरमेंट है, सऊदी या दुबई, दुबई में कंस्ट्रक्शन कंपनी का जैसे बहुत सारे काम रहते हैं, तो जिन भी साथियों को चाहिए रहेगा हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट करेंगे, इंशाल्लाह उनको डिटेल दी जाएगी। और सऊदीया में भी मौजूदा अभी कई काम चल रहे हैं, जैसे पेट्रोल पम्प लेबर का है और दीग बर्गर उसमें बर्गर शॉप पे है, और एक हैप्पी चिकन है अभा में, तो वहाँ पे भी कुछ हेल्पर लेबर वर्कर चाहिए, मतलब जो वेटर टाइप में जो काम कर सकें उसमें होटल रेस्टोरेंट में। तो जो भी साथी जाना चाहते हैं हमारे, वो हमसे इंशाल्लाह कॉन्टेक्ट करें, उनका इंटरव्यू होगा, उनको चेक किया जाएगा और उन्हें बाकायदा भेजा जाएगा अच्छे से, जिनकी पूरी रिस्पांसिबिलिटी होगी। तो जो भी साथी वीज़ा की रिक्वायरमेंट है, हाँ एक चीज़ और है कि अभी अर्जेंट में कतर के लिए एक रिक्वायरमेंट है, अर्जेंट तत्काल, उसमें हमें एक इलेक्ट्रीशियन चाहिए जिसको थोड़ा सा एसी का भी काम आना चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज हो। तो उसमें अच्छी सैलरी है, 2000 कतरी रियाल तक का विद एग्रीमेंट। तो जो भी साथी हमारे जाना चाहते हैं वो हमसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह उनका काम किया जाएगा और उनको अच्छे से इंशाल्लाह उनके मुकाम तक पहुंचाया जाएगा। दुआ में याद रखना, खुदा हाफिज़।